विद्यार्थियों, इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मेरे द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 पर एक वीडियो लेक्चर बनाकर अपलोड किया गया था और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 पर एक वीडियो लेक्चर बनाकर अपलोड किया गया। इन दोनों ही अधिनियमों द्वारा भारत सरकार के विकास की बात कही गई है, भारत सरकार की व्यवस्था की बात कही गई है। भारत सरकार में भारतीय लोगों की उन्नति को स्थापित करने की बात कही गई है। आज मेरे द्वारा जो वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा रहा है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर आधारित है। अब बात यह है, हो सकता है विद्यार्थी आपको ये लगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। तो आज सुनिए आप कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है, इसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं आज। व्हाट इज द मेन प्रोविजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं जिन्हें एक बार हिंदी में बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन यानी परिचय, सेकंड मेन प्रोविजन मुख्य प्रावधान, सेकंड डबल इंडिपेंडेंट स्टेट यानी दोहरी स्वतंत्र राज्य व्यवस्था, लिमिट्स ऑफ ईच ऑफ स्टेट प्रत्येक राज्य की सीमाएं, डिफरेंट गवर्नर जनरल काउंसिल यानी कि दोनों की अलग अलग गवर्नर जनरल काउंसिल की व्यवस्था, फोर्थ राइट टू लॉ मेकिंग प्रत्येक सरकार को विधि निर्माण या विधि बनाने की शक्ति का विधि निर्माण या विधि बनाने का अधिकार, फिफ्थ राइट टू सेंट्रल गवर्नमेंट और केंद्रीय सरकार को संविधान सभा को वे सभी अधिकार देने का अधिकार जिनके तहत उनके द्वारा संविधान बनाया जाए। ये बात केवल भारत सरकार की नहीं चल रही है, बात चल रही है भारत और पाकिस्तान की। कैसे? आपको ऐसा लगा होगा जब मैंने यहाँ इंडिपेंडेंट सरकार की बात कही तो आपने सोचा होगा सेंट्रल और स्टेट की बात है, जब मैंने यहाँ लिमिट्स की बात कही तो आपने सोचा होगा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की लिमिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बात जिन दो सरकारों की कर रहा हूँ वो दो सरकारें भारत की नहीं बल्कि एक स्वयं भारत और एक पाकिस्तान है। कैसे? देखिए विद्यार्थी, नंबर फर्स्ट पर मैंने दे रखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पर हमें बहुत फोकस करना है। इंट्रोडक्शन पर अगर हमने फोकस कर लिया तो बात हमारे पूरे तरीके से समझ में आ जाएगी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत में क्यों लागू किया गया, क्या जरूरत थी। सीधी सी बात है विद्यार्थियों, ये आप सभी को पता है कि सन 1600 से लेकर हम 300-350 वर्षों तक गुलाम बनकर रहे, समस्त भारतीय गुलाम बनकर रहे और ब्रिटिश सरकार ने अपना गुलाम बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व था, ब्रिटिश सरकार का वर्चस्व था, इंग्लैंड का वर्चस्व था, भारत का अपना कोई वर्चस्व नहीं था, सिर्फ दास्ता ही उपहार में मिली थी। ये कहानी है उस दास्ता की जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर आकर खत्म होती है। इसका क्या परिचय है, क्या जरूरत पड़ी? शायद विद्यार्थियों आपको पता होगा कि भारत देश कब आजाद हुआ। ऑब्वियसली मैं जानता हूं आपका सीधा सा उत्तर होगा कि 15 अगस्त 1947। शायद आपके हिसाब से सही लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत। भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद मेरे हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि भारत की जो स्वतंत्रता है वो इसे पहले ही मिल चुकी थी, एक स्टाम्प लगना बाकी रह गई थी। अगर हम उस स्टाम्प की बात करें, उस मोहर की बात करें जो 15 अगस्त 1947 को लगी थी, तो शायद आप सही हैं। लेकिन अगर बात भारतीय स्वतंत्रता की करते हैं, भारत के स्वतंत्र होने की करते हैं, तो भारत की स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को नहीं हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था उस नारे से जिस नारे को महात्मा गांधी ने एक कटघरे के पीछे खड़े होकर ये कहा था
कि अब तो लास्ट समय है, अंतिम समय है, और अंतिम समय में डू और अलाइव, करो या मरो। जब करो या मरो का नारा उन्होंने दिया तो ये मान लीजिए एक आग फूंक दी थी भारतवर्ष में, और उस आग में कई सारे क्रांतिवीर, कई सारे क्रांतिकारी शहीद हो गए, तब कहीं जाकर स्वतंत्रता मिली। और ये स्वतंत्रता हमें 1942 के आंदोलन से ही मिली है, उसके बाद ही हमें स्वतंत्रता मिल चुकी थी, भारत स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन कमी रह गई थी तो कागजी कार्रवाई की, कमी रह गई थी तो समर्पण की, कमी रह गई थी तो उस शक्ति को समर्पित करने की जो ब्रिटिश सरकार के हाथों में थी। विद्यार्थियों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि भारत स्वतंत्र 1947 के पहले ही हो चुका था, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाने का उद्देश्य यह था कि जो शक्ति ब्रिटिश सरकार के पास है, जो कार्य अभी तक ब्रिटिश सरकार करते आई है, वो कार्य भारत कैसे करेगा, भारत में कौन करेगा, वो सारी शक्तियां ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्पित की जाना थी भारत को। इसी संबंध में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया, और इसके लिए भारत में एक अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का आगमन हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल है जो भारत में आया था, और जिसे इंग्लैंड ने या ब्रिटिश सरकार ने यह कहकर भेजा था कि भारत पूरे तरीके से स्वतंत्र हो चुका है, अब हमें सारी शक्तियां उन्हें समर्पित करना है, चार्ज देना है कि ये जो कार्य ब्रिटिश सरकार करती थी अब आप बताइए आप में से कौन करेगा। तो आप भारत जाइए और भारत जाकर पूरी तफ्तीश कीजिए, जानकारी लीजिए, और इस कार्य को जितनी जल्दी हो सके भारत की बागडोर भारत के प्रतिनिधियों के हाथ में सौंपकर आप वापस आइए और एक प्रपोजल बनाकर इंग्लैंड को भेजिए। ब्रिटिश सरकार ने ये बात लॉर्ड माउंटबेटन को बताकर, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल था, भारत भेजा। लॉर्ड माउंटबेटन 23 मार्च 1947 को भारत आए थे, और उन्होंने अपना कार्य द्रुत गति से किया, विदाउट रेस्ट कंटिन्यू वो प्रतिनिधियों से मिलते रहे, पॉलिटिकल पार्टियों से मिलते रहे, पॉलिटिकल नेताओं से मिलते रहे, भिन्न भिन्न लोगों से मिले। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टियों से मिले, केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम के जो पॉलिटिकल पार्टी थे उनसे भी मिले। शायद जिन्ना का नाम आपने सुन रखा होगा, जिन्ना पॉलिटिकल पार्टी के फेमस एक पर्सन थे, और उस फेमस पर्सनैलिटी से भी लॉर्ड माउंटबेटन मिले थे। इन सभी से मिलने के बाद और अपने कार्य को द्रुत गति से करने के बाद उन्होंने एक पूरा दस्तावेजी लेखक तैयार कर लिया, और लॉर्ड माउंटबेटन ने वह दस्तावेजी लेखक 2 जून को वापस इंग्लैंड जाकर वहां सौंपा, और वहां अपनी बात रखी कि मैं इस आधार पर पहुंचा हूं, इस तरीके से मैंने एक ड्राफ्ट किया है जिससे कि हम भारत के प्रतिनिधियों को, भारत सरकार की सारी शक्तियों को समर्पित कर सकते हैं, सारा लेखा जोखा दे सकते हैं। और ये बात वहां सौंपकर, ये बात वहां बताकर इंग्लैंड से पुनः आदेश लेकर दूसरे ही दिन भारत के लिए रवानगी कर ली, भारत आए, और भारत में आकर 4 जुलाई 1947 को एक अधिनियम पारित किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का नाम दिया गया, और 15 अगस्त 1947 को इसे लागू किया गया, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया था। इसी दिन ब्रिटिश सरकार द्वारा सारी भारतीय शक्ति, सारी भारतीय दस्तावेज समर्पित कर दिए गए थे भारतीय प्रतिनिधियों को, और उस दस्तावेज में ये क्लियर मेंशन था कि भारत को 2 भागों में बांट दिया गया है। विद्यार्थियों, इसके आगे का लेक्चर मेरे द्वारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। धन्यवाद।